बढ़ती भीड़ और बढ़ते ट्रैफिक से अगर हमें निजात पानी हो या कम समय में अपने स्थान पर पहुंचना हो तो आज के समय में हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मेट्रो। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो एक ऐसा साधन है जिससे हम कम समय में बिना प्रदूषण और एक राहत के साथ लंबी दूरी को तय कर अपने निश्चित स्थान पर पहुँच जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने मेट्रो को जमीन के अंदर और पटरियों पर दौड़ते हुए देखा होगा, पर आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अब मेट्रो पानी पर भी चलेगी। जी हाँ, 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोची देश में पहली वाटर मेट्रो समर्पित की है। यह मेट्रो दूसरी मेट्रो से बेहद अलग है, क्योंकि अब तक आपने केवल पटरियों पर चलने वाली मेट्रो देखी होगी, लेकिन अब पानी पर भी चलने वाली मेट्रो आ गई है। पहले ही दिन ये दो रूटों पर चलेगी। ये वाटर मेट्रो 16 रूट पर चलेगी। 25 अप्रैल को 8 इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड नावों के साथ पहली वाटर मेट्रो केरल हाई कोर्ट से वाइपिन तक चलाई गई। वहीं दूसरे रूट की वाटर मेट्रो वाइटिला और ककनाड तक चलाई गई। वाटर मेट्रो रोजाना 12 घंटे चलेंगी और प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल में अपने स्थान पर पहुंचेंगी। वाटर मेट्रो का प्रयोग करके यात्री 20 मिनट से भी कम समय में हाई कोर्ट से वाइपिन पहुंच सकते हैं। वाइटिला से ककनाड तक केवल 25 मिनट तक पहुंचने का समय लगेगा। पहले रूट की सेवा सुबह 7 बजे शुरू होगी और रात 8 बजे तक जारी रहेगी। पीक ओवर्स के दौरान हाई कोर्ट वाइपिन रूट पर हर 15 मिनट में वाटर मेट्रो चलेगी। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोची और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने वाला केरल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें 23 वाटर बोट्स और 14 टर्मिनल हैं, जिनमें से 4 टर्मिनल पूरी तरह से तैयार हैं। जब ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो जाएगा तो इसमें 78 वाटर बोट्स होंगे और 38 टर्मिनल होंगे। आइए अब जानते हैं इसके किराए के बारे में। दोनों रूट पर चलने वाली पहली वाटर मेट्रो के मिनिमम किराया 20 रुपये और मैक्सिमम किराया 40 रुपये होगा। सिंगल जर्नी टिकट के अलावा वाटर मेट्रो के पास वीकली, मंथली और क्वार्टरली भी होंगे। 7 दिनों वाले मेट्रो पास और 12 ट्रिप की कीमत 180 रुपये रखी गई है। मासिक ट्रिप पास 30 दिनों के लिए वैलिड है और 50 ट्रिप के लिए 600 रुपये की कीमत रखी गई है। तिमाही पास की कीमत 1500 रुपये है और यात्री 90 दिनों में 150 ट्रिप का लाभ उठा सकेंगे। वाटर मेट्रो का उपयोग करने के लिए कोची वन कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। कोची वन ऐप माध्यम से मोबाइल QR टिकट भी बुक किए जा सकते हैं। ये वाटर मेट्रो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। वाटर मेट्रो में ऑटोमेटिक बोट लोडिंग सिस्टम और पैसेंजर कंट्रोल सिस्टम होगा। इस मेट्रो में प्रदूषण ना फैलाने वाली बैटरी का प्रयोग किया गया है। इससे कोची टैक वाटर में पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। कोची जल मेट्रो परियोजना में 1,00,000 से अधिक द्वीपवासियों को भी इसका लाभ पहुंचेगा। इस वाटर परियोजना की कुल लागत 1,137 करोड़ रुपए है। वाटर मेट्रो के प्रोजेक्ट में केरल सरकार द्वारा 100 करोड़ और बाकी जर्मन फंडिंग एजेंसी KfW के द्वारा पैसा लगाया गया है। एक वाटर मेट्रो के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। प्रत्येक मेट्रो में 50 से 100 यात्री बैठ सकते हैं। वाटर मेट्रो में विकलांगों के लिए रैप की सुविधा है, माताओं के लिए फीडिंग चेयर और मोबाइल चार्जर की भी सुविधा है। वाटर मेट्रो 8 समुद्री मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आने की बात यह है कि वाटर मेट्रो लो टाइड और हाई टाइड में भी समान स्तर से चलेगी। हम आपको बता दें कि ये वाटर मेट्रो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, मतलब इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत द्वारा की गई है।